दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म गहराइया में जो अश्लील सीन दिए हैं उसके बाद तो सनी लियोन और मिया खलीफा के लिए भी थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ गई है। दीपिका पादुकोण को हर तरफ से किलो के भाव में गालियां पड़ रही, यहाँ तक कि गली के कुत्ते भी बोल रहे हैं धत तेरे की, भाव भाव ससुरी नाक कटवा दी हमारी। फिल्म तो फ्लॉप ही हुई, साथ ही साथ पूरी की पूरी इज्जत भी उतर गई। आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ता और बिल्ली ऐसे जानवर हैं जब ये पॉटी वगैरह करते हैं तो करने के बाद उसको मिट्टियों से ढक देते हैं ताकि वो गंदगी किसी को दिखाई ना पड़े या जो भी उनका लॉजिक होता होगा। तो इसी तरह से गहराइयां फिल्म में जो भी गंदे काम किए हैं दीपिका ने, इसे ढकने के लिए रणवीर सिंह ने एक नया तरीका इनोवेट किया था। यह तरीका ऐसा था कि इंस्टाग्राम पर इन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ किसिंग करते हुए एक तस्वीर डाल दी थी। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम लोग बदनाम मत करो, दीपिका मेरी ही है, वो तो सिर्फ फिल्म में एक्टिंग कर रही है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक्टिंग करते करते तुम्हारी बीवी के साथ मजा तो कोई और लूट ले गया। रणवीर सिंह ने लिखा, डूबे हाँ डूबे एक दूजे के लिए। अब सोचिए रणवीर सिंह डूबने की बात करें और सिद्धांत चतुर्वेदी गहराइयां फिल्म में पूरी स्विमिंग करके ही चला गया। अब लोग कहां चुप रहने वाले हैं सोशल मीडिया पर, उनका तो जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि उन्हें ट्रोलिंग करनी है। किसी ने लिखा कि जाने दे बेचारे को तकलीफ हुई है, दिल पे पत्थर रख के ये बातें बोल रहा है और ये तस्वीर तो मजबूरी में उसने खिंचवाई है। किसी ने लिखा कि गहराइयां देखने के बाद रणवीर सिंह गहराई तक जलकर खाक हो गया है। किसी ने लिखा कि कपिल शर्मा गहराइयां को देखने के बाद यही बोल रहा होगा कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई थी, दीपिका मेरे साथ भी ये सब सीन कर लेती। किसी ने लिखा कि भाई ने लगता है कि गुस्से में देख, किसी ने लिखा कि भाई ने गहराइयां देख गुस्से में ये काम किया है, जबरदस्ती वाला तस्वीर खिंचाने का ये जो काम किया है ताकि सिद्धांत को दिखा सके कि दीपिका मेरी ही बीवी है। किसी ने लिखा कि एक गाड़ी के न जाने कितने ड्राइवर हैं, हर कोई बस अपने अपने हाथों की सफाई कर रहा है कि गाड़ी चलानी कैसे। तो लोग हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब अपनी बिगड़ी हुई इज्जत को दीपिका और रणवीर कितना भी सुधारने की कोशिश कर ले, लेकिन ये चौपट हो चुकी है, भले ही ये लोग एक्टिंग का नाम दे इसे।